मैं रुका हूँ बाली में उबुद में. मेरा जो हॉस्टल है वो है उबुद में. मैं आपको दिखा देता हूँ बोरा पीछे, वो मेरा हॉस्टल है. ये जगह का नाम है उबुद और यहाँ से आप वॉकिंग डिस्टेंस पर ही बाइक्स रेंट पर ले सकते हैं. यहाँ काफ़ी शॉप्स हैं और मेरे इस हॉस्टल से भी आप बाइक ले सकते हैं. यहाँ पर भी बाइक प्रोवाइड की जाती है और हाय तो यहाँ पर भी बाइक प्रोवाइड की जाती है रेंट पर. और यहाँ पर लॉन्ड्री सामने ही है, आप लॉन्ड्री पर दे सकते हैं अपने कपड़े धोने के लिए. और यहाँ पर जो कपड़ों का चार्ज है वो मैं आपको बता देता हूँ. ये लॉन्ड्री है और यहाँ पर इस तरीके से आपको बूथ में काफ़ी सारी लॉन्ड्री मिल जाएंगी. ये 10,000 पर केजी लेते हैं जिसमें आपको ये धोकर और प्रेस कर कर दे देंगे. और ये इस तरह से लॉन्ड्री पे आपको धोकर और प्रेस कर कर दे देते हैं. तो अगर आपको अपने कपड़े धुलवाने हैं तो आई थिंक इट्स चीपर देन अदर कंट्री. बाइक रेंट पर लेनी है और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से बाली. ऐसे ही रोड पर चलते चलते मैंने एक चीज़ देखी और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. वह पीछे मेरे जो हैं काइट्स. हाँ, व्हाट्स योर नेम? कॉमन. सॉरी, माय नेम कॉमन. कॉमन कॉमन. तो ये हैं एक्चुअली, हाय. तो ये हैं कॉमन. कॉमन, या. और इन्होंने मुझे काइट्स सेल करते हैं और इन्होंने मुझे बताया कि मैं यहाँ पर कहाँ पर बाइक ले सकता हूँ. हेल्प करी इन्होंने मेरी. इज नाइस पर्सन. और ये शॉप रन करते हैं काइट्स की. आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत काइट्स हैं इनके पास. हाउ मच ऑफ दिस? दिस वन मंकी 2 मीटर साइज 250. 250 के? 250. ओके 250. तो ये काइट्स जो है इसका प्राइस है 250 के, यानी कि 2.5 लाख रुपया यहाँ का इंडोनेशियन. यहाँ पे इनके पास ये ड्रैगन काइट्स है. बाइक ली है रेंट पर जिसका मेरे होटल में जो रेंट पर मुझे बाइक मिल रही थी वो था 60 के और मैंने यहाँ से ली है 100 के में. तो मुझे थोड़ा चीप मिल गया. मेरे हॉस्टल से थोड़ा पास में ही है और मैंने बाइक को लेने से पहले इसका पूरा वीडियो बना लिया है. आप भी जब बाइक ले तो अच्छे से पूरा वीडियो बना लें. और ये हैं मिस्टर, व्हाट्स योर नेम? मुद्रा. ही इज़ वेरी नाइस पर्सन और इन्होंने मुझे काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं. और अगर आपको यहाँ पे घूमने के लिए गाइड चाहिए तो इन्होंने मुझे बोला कि मैं आपके साथ चल सकता हूँ. 50,000 लेंगे और इन्होंने कहा कि ये मुझे सारी चीज़ें आसपास की एक्सप्लोर कर देंगे अच्छे से और ये मेरे साथ बाइक पे चलेंगे और बाइक चलाएंगे. तो इट्स गुड डील. और मैं दिखा देता हूँ आपको इनका थोड़ा सा एड्रेस कि मैंने कहाँ से लिए. आप अगर उबुद आएँ तो यहाँ से ले सकते हैं. ये है इनका ऑफिस. तो यहाँ काफ़ी सारी बाइक रेंट वाली शॉप्स हैं. अगर आपको बाइक लेनी हो तो आप बार्गेनिंग कर सकते हैं. इन्होंने मुझे 75 के बताया था. बार्गेनिंग करने के बाद में 40 के पे हमारा डील डन हो गई है. मैं हूँ यहाँ पर एक लोकल मोबाइल की शॉप पर और मैं लेने आया हूँ यहाँ सिम. और आप देख सकते हैं यहाँ पर सिम का प्राइस अगर आप एयरपोर्ट से कंपेयर करेंगे तो बहुत कम प्राइस पर आपको मिल जाती है. जिस तरह से आप इंटरनेट लेना चाहते हैं, जिस तरह से आप सिम का यूज़ करना चाहते हैं, उस तरीके से आपको सिम मिल जाती है. ये हैं सिम. मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से यहाँ सिम अवेलेबल है. जैसे आप देख रहे हैं अगर आपको 1 GB चाहिए तो 25,000 में मिल जाएगा आपको. और 3 GB चाहिए तो 60,000, 2 GB 45,000 और 4 GB 70,000, 11 GB 90,000. इस तरह से आपको अलग अलग कंपनीज की सिम मिल सकती हैं यहाँ पे अलग अलग प्राइस पर. तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप जब सिम लें तो एयरपोर्ट से ना लेकर लोकल मार्केट से परचेस कर लें. थोड़ी सी परेशानी होती है आपकी एयरपोर्ट से अगर आप सीधा किसी टैक्सी से करके सीधा हॉस्टल तक पहुँच जाएँ. हॉस्टल के आसपास मार्केट देखें, लोकल मार्केट, तो वहाँ से आपको चीपेस्ट रेट पर सिम मिल जाएगा और जो आप चाहते हैं वैसी सिम आपको मिल जाएगी. तो आप ध्यान रखें जब भी आप इंडोनेशिया आएँ तो या कहीं पर भी आप किसी भी कंट्री जाएँ तो लोकल मार्केट से सिम खरीदेंगे तो आपको एक अच्छे प्राइस पर सिम मिल जाएगी. काफ़ी शॉप्स पर ट्राई करने के बाद मुझे यहाँ पर सिम मिला है जो इंटरनेशनल सिम है.
कुछ सिम्स यहाँ पर होती हैं, आप देखो उनको कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, वो यहाँ की लोकल आईडी के लिए होती हैं, नेशनल आईडी वाले आप जो नेशनल आईडी होती है जिनकी इंडोनेशियन आईडी है तो वो सिम्स उनके लिए ही होती हैं जिन जो थोड़ी और चीपेस्ट प्राइस पर होती हैं, तो आप गलती से वो सिम मत ले लेना। एक इंटरनेशनल सिम जो होती हैं वो जो कंपनी है वो मैं दिखा देता हूँ आपको, इंडोनेशिया में ये कंपनी है सिंपति करके कंपनी है, और ये पासपोर्ट लेकर सिम एक्टिव कर देते हैं, और मिनिमम जो टाइम लगता है वो 2-3 आवर्स का लगता है इसको एक्टिवेट होने में। अगर आप चीप सिम लेना चाहते हैं तो ये बेस्ट है, इसमें 6 GB डाटा मिलेगा आपको, प्राइस है इसका 60K। तो आप सिम जब भी लें तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप एक लोकल सिम बाय ना कर लें गलती से, इंटरनेशनल सिम लें, और वो जो इजीली मिल जाती है मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन इसमें आपको 11 GB और 6 GB के अलग अलग प्राइस मिल सकते हैं, थोड़ा ढूंढेंगे तो आपको 6 GB आई थिंक 5-6 दिन के लिए बहुत रहेगा। तो मैं ये 6 GB वाला सिम ले रहा हूँ और इसका प्राइस है 60K, और मैंने इसके लिए जस्ट पासपोर्ट दिया है और ये एक्टिवेट हो जाएगी 2-3 घंटे। इंडोनेशियन पीपल का आप रिएक्शन देखिए जब वो 100 रुपीज़ का नोट देख रहे हैं, तो इंडियन करेंसी। See this, 10 rupees. Sauce? Yeah, sauce. आप ले सकते हैं इंडोनेशिया में स्ट्रीट फूड का मज़ा, और यहाँ पर जो फूड अवेलेबल है आपको इजीली बाहर मिल जाता है 20,000 के आसपास, और 10,000 से स्टार्ट है, जो भी आप खाना चाहें खा सकते हैं। और सारे जो स्ट्रीट फूड है सब अच्छा होता है, तो मैंने अभी ये दिया है। पहुंच गया हूँ मंकी फॉरेस्ट, और यहाँ पर पहुँचने में मुझे मुश्किल से 5 मिनट लगे बूथ से यहाँ पर आने में, 2-3 किलोमीटर था, और अच्छी जगह है, देखने लायक जगह है, काफ़ी भीड़ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। हाउ मच प्राइस फॉर 1 टिकट? 50,000। ओके, 1। तो ये फ्रेंड्स टिकट लिया है मैंने 50,000 IDR का, यानी इंडोनेशिया रुपया, और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी भीड़ है, लोग बहुत पसंद करते हैं यहाँ आना, और अंदर का नज़ारा देखते हैं कैसा है। तो चलते हैं मंकी फॉरेस्ट। यहाँ फ्रेंड एक चीज़ और देखने लायक है कि यहाँ पर आप जो मंकी फॉरेस्ट के बारे में जानकारी लेते हैं जो उसमें बुक्स मिलती हैं आपको, वो सारी लैंग्वेज में आपको मिलती हैं, जैसे आप देख सकते हैं इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, कोरियन, इंडोनेशिया, जापानीज, इटालियन, जर्मन एंड अरबिक, इंडोनेशिया, जापानीज, जर्मन, तो हर लैंग्वेज में यहाँ पर आपको बुक्स मिल जाती है जिसमें मंकी फॉरेस्ट की पूरी जानकारी है। मैंने इंग्लिश में ली है, आप इसके अंदर देख सकते हैं पूरी जानकारी, पढ़ सकते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, और तो चलते हैं मंकी फॉरेस्ट।
यहाँ के बारे में मैं दो चार चीज़ें आपको क्लियर कर दूँ. एक तो यहाँ स्मोकिंग मना है. बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ का, पर्यावरण बहुत अच्छा है, तो हमें ऐसी किसी भी जगह जहाँ स्मोकिंग मना भी ना हो तो वहाँ स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए. तो यहाँ स्मोकिंग मना है. और यहाँ का जो स्टाफ है वो बहुत ही अच्छा स्टाफ है. यहाँ हर जगह आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये यूनिफॉर्म जिन्होंने पहन रखी है लाइक दिस. तो ये यहाँ का स्टाफ है, ये यहाँ का ध्यान रखते हैं कि कोई मंकी किसी को परेशान ना करे. और कोई ऐसा कोई हरकत करता है तो ये उसकी हेल्प करते हैं, या कोई मंकी को परेशान ना करे. बहुत नाइजली बोलते हैं ये लोग, बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं. अगर आप इनसे कुछ पूछेंगे तो आपको बताएंगे सारी चीज़ें. तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं लोगों से, बात करते हैं. बहुत अच्छे लोग, अच्छी तरह से बात करते हैं लोगों से. Thank you.
The smaller, every time you can put here, the big one, तो मैंने आपको पूरा जो ये गार्डन है मंकी फॉरेस्ट आई होप पूरा दिखा दिया है अच्छे से. अगर कुछ कमी रह गई हो तो उसके लिए सॉरी. बाकी मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं एक अच्छा वीडियो आपके लिए बना सकूं और अच्छे से एक्सप्लोर कर सकूं मंकी फॉरेस्ट को आपके लिए. बाकी आपको सारी चीज़ें मेरे वीडियो में तो मिल ही गई होंगी सारी जानकारी. बाकी अगर आप यहाँ पर आएंगे तो और आपको अच्छा लगेगा बिकॉज़ यहाँ का नेचर, यहाँ की हवा बहुत अच्छी है, ऑक्सीजन एकदम, यहाँ की जो मतलब नेचुरल जलवायु है आप उसमें अगर आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा. आई होप कि आप बाली आएँ और उबूद आएँ, और उबूद आते हैं तो आप मंकी फॉरेस्ट ज़रूर आएँ.